very good morning to all of you what can be the better place than at the lap of nature to explain chipko movement and its significance welcome you all to my youtube channel as well as facebook page another day another fieldwork and another place and another topic to explain today i hope this is the right place to describe the importance and the need of chipko movement and how it started and how it ended and how it turned into another political scenario so let's you कुदरत के गोद में आकर ही कुदरत के बारे में अगर एक्सप्लेन करें वह बेहतर होगा तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आकर अपने डिजर्टेशन वर्क के दौरान अपना क्लिपिंग बनाया है आई होप आप सबको पसंद आएगा Well, Chipko Movement is is we can say one of the most important movements because this is the first environmental movement that started in India. भारत में पहले पर्यावरण को लेकर पहला जो कोई आंदोलन चला है वो है चिपको मूवमेंट ये क्या है कैसे हुआ हम ब्रीफली इसको समझेंगे ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमारा क्लियर हो जाए तो पहले देखते हैं ये वर्ड चिपको इज ए हिंदी वर्ड यानी hug द ट्री अभी ट्री को हक करना ऐसा क्यों जरूरत पड़ा क्या ऐसे प्रॉब्लम हुए कैन तो वी कैन से थ्री में नाइनटीन में 1973 में यह पूरा पीक में आया 1970s में यह आंदोलन शुरू हुआ उत्तरांचल में उत्तराखंड जो हम कहते हैं स्पेशली चमोली एंड तेहरी गरवाल डिस्ट्रिक्ट दो डिस्ट्रिक्ट में चमोली और तेहरी गरवाल बाद में इनके जो लीडर हैं सुंदरलाल भोगुना ये करीबन कई हज़ार दूर दूर तक कई हज़ार किलोमीटर तक वो चले स्प्रेड हुए आगे आगे जाके और भी लोग इकट्ठे हुए और जाकर ये आंदोलन को बड़ा एक बड़ा नाम मिला बड़ा फेम मिला जो नाइनटीन uh, की घटना आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट वाई बिकॉज पहली बार भारत में ने टू सेंसिटाइज द पीपल अबाउट द इन्वायरमेंटल इशूज़ इन्वायरमेंट इज आवर रिसोर्स इज आवर ब्लैसिंग बट इसको अगर हम लोग मिस यूज़ करें एक्सप्लोयड करें तो दैट इज़ लाइक वी आर कारसिंग आर फ्यूचर तो वेरी सिंपल तो प्रॉब्लम शुरुआत कहाँ से हुआ बिकॉज वी मस्ट अंडरस्टैंड पहले फर्स्ट ऑफ ऑल दैट विज दीपल ऑफ दिल हिल्स द टेलर्स ऑफ द हिल्स जो पहाड़ों में रहते हैं उनका मुख्य जीविका क्या है पहाड़ उनके जंगल उनके फॉरेस्ट फॉरेस्ट रिसोर्सेज क्योंकि मोस्ट ऑफ द दिस पीपल इन दीज एरियाज इन रिमोट एरियाज पहाड़ी इलाका में जहां ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है जहां पर कई प्रकार के प्रॉब्लम दे हैड टू तो फेस उसके तो उनका जीविका किस पर निर्भर करता है उसी फॉरेस्ट पे फॉरेस्ट रिसोर्स पे और सबसे ज्यादा जरूरी है उनके जो दैनन्दिन यूज के लिए यानी फायरवुड जो लकड़ियाँ हैं खाना पकाने के लिए लकड़ियाँ ईंधन उनको कहाँ से मिलता है वो जंगलों से मिलता है तो जो गांव वाले थे वहीं से जंगल उंगल से इकट्ठा करते थे तो ये सरकार ने वहां पर इनको मना कर दिया और कहते हैं कि ये इन्वायरमेंट का नुकसान हो रहा है कि सच कैनो टिम्बर्स पेड़ को काट नहीं सकते इनका कोई प्रयोग नहीं कर सकते इन्वायरमेंट का नुकसान हो जाएगा एट द सेम टाइम सरकार ने क्या किया एक टिम्बर इंडस्ट्री को हो जो स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरर है जो बैट हॉकी स्टैम्स क्रिकेट हो या फुटबॉल फुटबॉल सॉरी हॉकी और बहुत सारे स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज के लिए उनको ये अलाउ कर दे अलॉट कर दिया तो जब अलॉट कर दिया यहाँ के लोग और सुंदरलाल बहुगुणा जो उनके लीडर थे वो बोले भाई दैट्स नॉट फेयर पीपल ऑफ द हिल एरियाज देयर मेन लाइवलीहुड डिपेंड्स ऑन द फॉरेस्ट तो वी हैव द प्राइमरी भूमिपुत्र मतलब वहां के जो बच्चे हैं वहां के लोग हैं वहां के जो जन्मे लोग हैं उनका पहला अधिकार उनके अपने धरती पर होती है अपनी जमीन पर होती है बट दैट बाय द गवर्नमेंट कि आप उसको प्रयोग नहीं कर सकते चलो हमें समझ में आया हम कुदरत को खराब कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो आप पैसा कमाने के लिए एक मैन्युफेक्चर कंपनी को अलाउ कर रहे हो ट्रक लेकर आए और शोइंग मशीन लेकर आए पेड़ काट कर ले जाओ आराम से क्रिकेट का बैट बनाओ क्रिकेट का स्टंप बनाओ हॉकी बनाओ बट जब हम इसी को जो पेड़ कट जाए गिर जाए उसके टहनियां सूख जाए तो उसको हम लोग जलाकर चूल्हा जलाएं तो दैट वॉज इन्वायमेंट अगेंस्ट तो भारत में एक बहुत बड़ा शुरुआत तो छोटे आ, छोटा ही था लेकिन उसका बहुत बड़ा एक हाइक मिला कैसे क्योंकि वहां पर वुमेन ऑल्सो वेर एसोसिएटेड टू दिस मूवमेंट फर्स्ट टाइम लाइक इकोलॉजिकल मूवमेंट है भारत का पहला रिलेटेडलेंट environment को बचाने के लिए समझते हैं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या किया उन्होंने माने सरकार ने फॉरबेड दीपल टू यूज द फॉरेस्ट रिसोर्स मोर्च द्री आप ट्री को नहीं काट सकते प्रयोग नहीं कर सकते आप प्रयोग नहीं कर सकते बिकॉज का नुकसान हो रहा है उसके बाद एट द सेम टाइम इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ये पर्पस में पैसा कमाने के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर में उसको अलाउ कर दिया बट पीपल ऑफ दोरिया बोर्न देयर सेटल देयर लिव दर नॉट अलाउड सो ऑब्वियसली ये तो किसी ना किसी आवाज को उठाना ही था तो द इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन people came out. so obviously it was ecological exploitation because you are exploiting for the purpose of commercial use, your purpose of earning. but when the people of this area wanted to use it, but they are not allowed. so the people said वहाँ के लोगों को कहाँ के हमारा पहला अधिकार बनता है? because हम उसके वहाँ के जन में हमारा अधिकार बनता है हम रिसोर्स को यूज करें but misuse नहीं यूज करें. so it was the first environmental movement in India. ये हमें जानना है शुरुआत कहाँ पर हुआ था उत्तराखंड का जो चमोली और तेहरी गरवाल डिस्ट्रिक्ट में तेहरी गरवाल और चमोली डिस्ट्रिक्ट में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जरूरी है नाउ हम देखते हैं ये भारत का पहला इन्वायरमेंटल रिलेटेड कोई मूवमेंट है मास मूवमेंट स्पेशली वहां पर कौन थे वुमेन थे वो भी बेचारे गांव के भोले भाले लोग सो द रेज एन इकोलॉजिकल इशू इकोलॉजिकल इशू के आवाज उठाई उन्होंने और इन्होंने कमर्शियल मैन्युफैक्चरर कंपनी टू कम एंड कट डाउन अ मास बट वी द लोकल पीपल ऑफ दिस एरिया इफ वी यूज इट दैन इट बिकम्स अ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड इन इकोलॉजिकल डिस जब आप उसको यूज कर रहे हो मास में बहुत ज्यादा काट रहे हो तो वो गलत नहीं है सो so, डिमांडेड फॉर द मिनिमम वेज ऑल्सो इसने क्या किया इस चिप को मोबमेंट से एक फायदा क्या हो गया वहां का लोकल यू नो ऑर्गेनाइजेशन जो लोग निकले वहां पर बाद में यह भी डिमांड कर लिया कि मिनिमम वेज फॉर द फॉरेस्ट वर्कर्स उनको भी एक मतलब एक रास्ता और एक दूसरा दिखा दिया तो वहां पर जो चिप मिनिस्टर थे वो भी बहुगुणा थे शायद हेमवती हेमवती बहुगुणा तो उन्होंने क्या किया हेमवती नंदन बहुत वो चीफ मिनिस्टर थे ही उन्होंने एक इंक्वायरी कमीशन बैठाई तो इंक्वायरी कमीशन बैठाने के बाद बाद में ये देखा गया कि हाँ ये सच्ची में गलत हो रहा था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपना मिस कर रहा था पावर को खुलेआम सो फाइनली डिसाइडेड तो जब चीफ मिनिस्टर को मालूम पड़ा तो ये भी रास्ता निकल गया उनको मिनिमम वेज के लिए भी डिमांड किया वो भी रास्ता निकल गया और उसको तुरंत बंद कर दिया गया जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए और वो आंदोलन इतना ज्यादा स्प्रेड हो गया ये धीरे 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 किस किस लिए उस समय एक, एक इंटरनेट नहीं था जी मतलब ऐसा स्प्रेड मिलने का प्लेटफॉर्म मिलने का चांसेस कम था डिस्पाइट दैट वो पैदल चल चल कर लोगों को सेंसिटाइज किया टू मेक द पीपल अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट द नेचुरल रिसोर्स आवर फॉरेस्ट एंड द ट्रीज आर हम बचपन से सीखते आ रहे हैं ट्रीज आर द बेस्ट फ्रेंड एंड बिकॉज अस लाइफ वेरी सिंपल सो फर्स्ट टाइम अनाग्निफिकेंट फीचर हम देख सकते हैं वुमेन पार्टिसिपेशन फॉर फर्स्ट टाइम इन इन इनवाटल इशू लीडर्स का नाम देख लीजिए सुदेशा देवी वेरी इंपॉर्टेंट नेम बचनी देवी गौरा देवी गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट भट्ट और बहुत सारे हैं बहुत सारे हैं तो ये कुछ पॉपुलर नाम हैं ये लोग सुंदरलाल बहुगुणा जो इस आंदोलन के लीडर थे मैं हेमवती नंदन बहुगुणा वो चीफ मिनिस्टर थे और सुंदरलाल बहुगुणा वो इस मूवमेंट के लीडर थे इनके सब के साथ ये आंदोलन चलाया तो दैट तो वॉज अ बिग अचीवमेंट फॉर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जो गाँव के भोले भाले औरत हैं और जो लोग हैं तो वहां के किसान लोग हैं फार्मर्स हैं यू नो जो फॉरेस्ट में निर्भर करके जीवन चलाते हैं हाउ दे बिकेम वेरी मच फेमस इसलिए क्योंकि क्या हुआ आ, वेरी सिंपल उस मूवमेंट में क्या हुआ चिपको मूवमेंट क्यों नाम पड़ा तो इन्होंने ट्री को बचाने के लिए जब इंडस्ट्री ट्रक व्रक लेकर आया था वो कटर कुटर लेकर आया था तो इन लोगों ने क्या किया एक सेक्रेट धागा सेक्रेट धागा से इसको पूरा पेड़ को उसने वो कर दिया आ, क्या कहते हैं टाई अप कर लिया उसके बाद पेड़ को ऐसे पकड़ के चिपक कर पेड़ के साथ रह गया तो काटना है तो हमें काटो तो दैट वॉस बिकेम द ट्री जो हम कहते हैं हग द ट्री यानी पेड़ को हग कर लो यानी उसको गले लगा लो तो यहां से आया ए, चिपको मूवमेंट तो चिपको मूवमेंट से बड़ा नाम क्या निकला सुंदरलाल बहुगुणा भारत का पहला इन्वायरमेंटल मूवमेंट था इस मूवमेंट में पहली बार औरत भी आए गांव के भोले भाले लोग आए और ये बिकेम इन इंटरनेशनल नेम एंड फेम बहुत बड़ा नाम बन गया बहुत बड़ा आंदोलन बन गया इसी में से ही इसी मूवमेंट से ही भारत में और धीरे 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 इन्वायरमेंटल अवेयरनेस बढ़ा लोगों को और मालूम पड़ा जागरूक होने लगे ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स हैं जो बाद में इन्वायरमेंट रिलेटेड जैसे नर्मदा बचाओ अभियान जो भी हम लोग देखेंगे बहुत सारे ऐसे आंदोलन चला सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड